आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। मतदान एक संवैधानिक अधिकार है और जिला प्रशासन के बारे में मतदाताओं में जागरूकता बढ़ा रहा है, लेकिन एक ही समय में कई अधिकारी मतदान नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे चुनाव प्रक्रिया में शामिल हैं। इसे रोकने के लिए मतदान प्रक्रिया में शामिल सभी मतदान कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और ड्राइवरों को डाक मत पत्रों के माध्यम से मतदान का अधिकार होना चाहिए, ऐसा जिलाधिकारी MJ प्रदीप चंद्रन ने दिया। लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कई बार सभी चुनाव प्रणाली मतदान नहीं कर सकती है। 14 तारीख को इस अंतिम प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदान कर्मचारी के रूप में नियुक्त सभी कर्मचारी, सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी, मतपेटियों का चालक, नोडल अधिकारी, ऐसे सभी को मतदान करने का आदेश जिलाधिकारी ने दिए। EVM और VVPAT मतदान मशीनों को तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया है। तीनों चुनाव निर्णयकर्ताओं को 6 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के और आम चुनाव निरीक्षक को मिलाना चाहिए। मतदान केंद्र अधिकारी कर्मचारियों का दूसरा प्रशिक्षण 14 तारीख को आयोजित किया जाना चाहिए। चुनाव निर्णयकर्ताओं को मतदान से 4 दिन पहले अपने क्षेत्र में फोटो मतदाता पोस्टिंग वितरित करनी चाहिए। मतदान केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान के दिन भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। जिले के 3 अंतर्राज्य नाकों पर 2 स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाए। विकलांग मतदाता, बुजुर्ग, नेत्रहीन, गर्भवती महिलाओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस बैठक में उपजिलाधिकारी विलास ठाकरे, उपजिला निर्वाचन अधिकारी राम लंके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुभाष पवार, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर श्रीकृष्ण पांचाल, मनीषा तांगे, सचिन संगीर, खर्च नोडल अधिकारी योगेश जाधव, जिला कोषागार अधिकारी शंकर बाली, दिव्यांग नोडल अधिकारी मनुष्य ठौकर, सूचना और विज्ञान अधिकारी संदीप लोखंडे, नगर प्रशासन अधिकारी श्री गौड़ी, खनिकर्म अधिकारी सुरेश नेता उपस्थित थे।